Dear students, very good morning to you all. Hope that you all quite fit and fine and doing hard work. आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे, खूब मेहनत भी कर रहे होंगे. हम चलते हैं ज़्यादा टाइम ना लेकर के जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर वर्क करते हैं. हमारा जो लेसन था दिस वन बायो मॉलिक्यूल्स, और बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर इससे पहला जो कंसेप्ट मैंने आपको दिया था, जो वीडियोज में आपको अपलोड करके दे रहा था, उनमें मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में कंसेप्ट दिया था. अगर बेटा आपको ध्यान होगा कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने सिस्टमेटिकली कैटेगराइज किया था कि सबसे पहले भाई हमारे पास जो आते हैं दीज आर कॉल्ड मोनोसैकेराइड. मोनोसैकेराइड के बाद दूसरे आते हैं ओलिगोसैकेराइड, एंड आफ्टर ओलिगोसैकेराइड वी हैव पॉलीसैकेराइड. लेकिन अगर मान लो मैं अगर इस समय का जो सिलेबस है अगर मैं उसकी मैं बात करता हूं तो हमारे पास इस समय केवल और केवल कार्बोहाइड्रेट से केवल मोनोसैकेराइड है. ओलिगोसैकेराइड हो गया एंड द सेकंड वन पॉलीसैकेराइड हो गया. ये दोनों के दोनों जो पार्ट बनते कार्बोहाइड्रेट्स के, इनको रिड्यूस कर दिया गया है. ठीक है बेटा, ड्यू टू COVID-19 जो पेंडेमिक सिचुएशन बनी है उसके कारण जो सिलेबस है उसके अंदर जो रिडक्शन हुआ है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो डाइसैकेराइड हो गया या जिसे ट्राइसैकेराइड या टेट्रासैकेराइड, विच वन यू कैन से दैट ओलिगोसैकेराइड एज वेल एज पॉलीसैकेराइड, ये दोनों के दोनों पार्ट को रिड्यूस कर दिया गया है. सो लेट अस मूव. कार्बोहाइड्रेट के अंदर मैंने आपको जो पहला पार्ट करवाया था दैट वाज वो मोनोसैकेराइड था. उसमें ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, इनका जो स्ट्रक्चर बनता है कैसे करके इनका स्ट्रक्चर बनता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनता है, वो सारी चीजें मैं आपको बता चुका था. नाउ लेट अस मूव. आज बेटा मैं आपको जो कंसेप्ट करवाने जा रहा हूँ दिस वन प्रोटीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ध्यान से सुनेंगे कि प्रोटीन्स क्या होते हैं. अच्छा प्रोटीन्स की अगर मैं बात करूँ, देखो प्रोटीन्स जो है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जो लिविंग थिंग्स जो मैं बोलूंगा उन सभी के अंदर ईच एंड एवरी पार्ट की अगर मैं बात करता हूँ, बॉडी की अगर मैं बात करता हूँ, तो सब जगह क्या होता है, प्रोटीन होता है. इवन ये भी बोला जाता है कि जो एनिमल्स हो गए या प्लांट्स हो गए उनके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें 10 से लेकर 20% में प्रोटीन्स पाया जाता है. व्हाट द कंसेप्ट बेटा, मतलब हम बोलेंगे कि जो लिविंग बॉडी है उसके लिए एक इसेंशियल केमिकल सब्सटेंस है जो कि अपने आप में इस बॉडी को तैयार करने के लिए, इसकी ग्रोथ हो गया, इसकी मेंटेनेंस के लिए बहुत इसेंशियल है. ठीक है बेटा, समझ रहे हैं आप. ये अपने आप में हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, ये अपने आप में कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं अमीनो एसिड के. ठीक है बेटा, और जो हर एक लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है. व्हाट द कंसेप्ट, अगर मैं ये बोलूं कि ये हमें कहां से ऑब्टेन होते हैं, सो वी कैन से दैट, जैसे मान लो मैं चीज की बात करता हूँ या मिल्क की बात करता हूँ या पीनट्स की बात करता हूँ या पॉल्स की मैं बात करता हूँ या फिश की मैं बात करता हूँ या मीट की मैं बात करता हूँ, इन सभी के अंदर जो प्रोटीन्स होता है वो पाया जाता है. व्हाट द कंसेप्ट बेटा, तो ध्यान देंगे. सो लेट अस मूव, चलते हैं हम टुवर्ड्स प्रोटीन्स. तो प्रोटीन की अगर मैं बात करूं सबसे पहले मैं इसे लिखूंगा, क्या लिखेंगे बेटा, दीज आर हाई मॉलिकुलर मास कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड एंड विच आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स. ठीक है बेटा, जो सभी लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है. दीज आर हाई मॉलिक्यूलर मास कॉम्प्लेक्स बायो मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड. ये अमीनो एसिड्स जो हैं, जो कि अपने आप में बायो मॉलिक्यूल है, ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उनका क्या होता है, हाई मॉलिक्यूलर मास वाले सब्सटेंस होते हैं. ठीक है बेटा, और जो कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, प्रेजेंट होता है, या हम ये बोलेंगे प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन
each body part of living things. ठीक है बेटा, या हम ये लिखेंगे these are essential chemical substances which are responsible for growth and maintenance of life. या हम लिखेंगे बेटा it gives fundamental basis of structure and functions of life. ठीक है बेटा, ध्यान से सुनिए क्या क्या बोला गया. ये सारी चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं. या अगर मान लो मैं इसमें थोड़ा और ऐड करके बोलूं, यहां लिखूंगा बेटा दीज आर प्रेजेंट इन प्रोटोप्लाज्म ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट अबाउट 10-20%. ठीक है बेटा, ध्यान देंगे. या अगर मान लो मैं इसकी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं कहां कहां ये पाया जाता है. जैसे मान लो चीज हो गया बेटा या पीनट्स हो गया या पल्सेस हो गए या मिल्क हो गया या फिश हो गया या मीट होगी एटसेट्रा. इन सभी के अंदर जो प्रोटीन है वो प्रोटीन पाया जाता है. बहुत क्लियर है बेटा. ठीक है बेटा, अगर हम यहाँ पे कंसेप्ट को डिफाइन करें कि जो प्रोटीन है, जो प्रोटीन वर्ड है, ये कहाँ से डिराइव हुआ होगा, तो ये अपने आप में ग्रीक वर्ड एंड विच वन इज कॉल्ड प्रोटियस विच मीन्स प्राइमरी, या इसे बोलेंगे बेटा दिस वन प्राइम. इंपॉर्टेंस जो अपने आप में जो प्रोटीन है, प्रोटीन वर्ड कहां से डिराइव हुआ, ग्रीक वर्ड प्रोटियस से. और ग्रीक वर्ड प्रोटियस का मीनिंग होता है प्राइम या प्राइमरी. प्राइम इंपॉर्टेंस या प्राइमरी मतलब ये अपने आप में एक क्या है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो इसेंशियल है बेटा. किसके लिए इसेंशियल है, ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए. ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें या लिविंग बॉडी की अगर बात करें तो उसके लिए बहुत प्राइम इंपॉर्टेंस है. आपने सुना होगा कि प्रोटीन्स की अगर कमी हो जाए तो हम बोलते हैं कि जो पार्शल कोर है वो जो डिसीज है वो लग जाती है. समझ रहे हैं बेटा आप? ठीक है, तो प्रोटीन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर फंडामेंटल बेसिस की अगर मैं बात करूं, जो बॉडी को जो स्ट्रक्चर मिलता है, जो फंक्शंस ऑफ लाइफ होते हैं या लिविंग सेल्स के जो फंक्शंस होते हैं उसकी अगर मैं बात करूं,
या ये अपने में एक कैंसर सबस्टांस है जो बहुत एसेंशियल है. किसके लिए एसेंशियल है बेटा? फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस. दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड. ये अपने आप में क्या है? प्रोटीन है, जो कि प्राइम इंपॉर्टेंट है या इंपॉर्टेंस है, या जो अपने आप में क्या प्राइमरी है. ठीक है बेटा, इसे नोट करो आप. ठीक है बेटा, अब अगर मान लो मैं प्रोटीन को कैटेगराइज अगर करूं, तो प्रोटीन्स हमारे पास अगर इसकी टाइप्स की अगर मैं बात करूं बेटा, क्या क्या प्रोटीन्स है हमारे पास इसमें आता है बेटा, वन बाय वन मैं लिख रहा हूं. अगर मैं प्रोटीन्स को लिखूं, अगर इसके टाइप्स लिखूं, तो इसमें सबसे पहला नंबर आता है बेटा एंजाइम्स. दूसरा आता है बेटा, दिस वन इज, इसे लिखूंगा बेटा हॉर्मोन्स. तीसरा अगर लिखूंगा दिस वन एंटीबॉडीज. चौथा नंबर अगर लिखूं दिस वन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, या पांचवा नंबर अगर मैं लिखूं दिस वन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स. पांचवा नंबर क्या बना? स्ट्रक्चरल. छठवा नंबर आता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन. तो चौथे के बाद पांचवा नंबर आया दिस वन स्ट्रक्चरल आ गया था. इसके बाद आएगा दिस वन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स हो गए. और छठवां नंबर जो बनेगा उसे लिखा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बेटा, इसे नाम देते. अब ध्यान से सुनेंगे आप, वन बाय वन इनको समझो आप क्या क्या चीजें यहाँ पे बन रही हैं. सबसे पहले बोला बेटा मैंने, द फर्स्ट वन विच वन इज कॉल्ड, पहला नाम दिया एंजाइम. एंजाइम्स अपने आप में सभी बच्चों को ध्यान होना चाहिए कि ये अपने आप में क्या है, बायो कैटलिस्ट होते हैं. दीज आर बायो कैटलिस्ट. और जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कैटालाइज करती हैं. सभी बच्चों ने पढ़ा है, जैसे मान लो हमने बोला कि सुक्रोज का कन्वर्जन ग्लूकोज और फ्रक्टोज के अंदर हो रहा है. इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन में, जैसे मान लो मैंने लिखा C12H22 and O11, ये आया हमारे पास दिस वन इज कॉल्ड सुक्रोज. और इसकी बेटा मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोलिसिस करता हूँ मोटर के साथ में. तो यहां से क्या बनेगा, यहां बनेगा C6 हो गया, H12 हो गया, O6 हो गया, अगेन C6 हो गया, H12 हो गया, O6. एक बना बेटा ग्लूकोज, दूसरा बना बेटा फ्रक्टोज. ठीक है बेटा, ग्लूकोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, ये मैंने आपको पहले बता दिया. इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए या तो इसमें हम H+ ion का यूज कर सकते हैं, या यहां पे एक एंजाइम होता है जिसे नाम दिया जाता है दिस वन इज कॉल्ड इनवर्टेज. क्या बोला बेटा? ये इनवर्टेज अपने आप में एक एंजाइम है जो जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको कैटालाइज करने का काम करती है. दैट्स व्हाई एंजाइम अपने आप में, दिस इज द पार्ट ऑफ द प्रोटीन. ये प्रोटीन का पार्ट है और जो क्या करता है, बायो कैटलिस्ट है ये अपने आप में, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को क्या करता है, कैटालाइज करता है. दूसरा आता है हॉर्मोन्स, इसे लिखेंगे टू रेगुलेट द बॉडी फंक्शन. हमारी बॉडी के अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम किसका होता है, हॉर्मोन्स का होता है. फिर आता है एंटीबॉडीज, यहां लिखेंगे टू प्रोटेक्ट द बॉडी
फ्रॉम टॉक्सिक सबस्टांसेस, जितने भी टॉक्सिक सबस्टांस होते हैं उनसे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? एंटीबॉडीज। फिर आते स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स, विच यहां लिखेंगे विच प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द लिविंग थिंग। जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए जो स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स टू, या ऐसा लिखेंगे डी आर इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल टू द टिश्यूज। जितने भी टिश्यूज है वहां तक जितना भी जो मटेरियल है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का होता है। फिर आता है कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। जितने भी मसल्स होती हैं बेटा इनके अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन होता है उस कॉन्ट्रेक्शन के लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन। तो जितने भी हमारे पास प्रोटीन्स हैं उनको हमने कैटेगराइज किया कि वो एंजाइम हो सकता है, वो हॉर्मोन्स हो सकता है, एंटीबॉडीज होती हैं, स्ट्रक्चरल होता है, ट्रांसपोर्ट होता है और कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है बेटा, नोट करो आप इसे। ठीक है बेटा, कर लिया नोट। अब अगर मान लो मैं प्रोटीन की अगर बात करूं तो इस प्रोटीन्स के अंदर अगर मान लो मैं एलिमेंट्स की बात करता हूं कि इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होते होंगे, तो इसके अंदर बेटा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, सल्फर होता है, फॉस्फोरस होता है, आयोडीन होता है, या इसके अंदर आयरन होता है, इसके अंदर जिंक होता है, इसके अंदर एमएन होता है। ये हमारे पास जो प्रोटीन्स होते हैं उन प्रोटीन्स के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, ये तो बहुत इसेंशियल होते हैं, इंक्लूडेड फॉस्फोरस होता है, आयोडीन होता है, आयरन होता है, जिंक होता है, मैग्नीज होता है, ये हमारे पास प्रोटीन्स के अंदर क्या होते हैं? ये एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, बहुत क्लियर है। अब अगर मैं बोलूं कि प्रोटीन्स अपने आप में क्या है, थोड़ा और ज्यादा इसे डिफाइन अगर करूं मैं, केमिकली अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं बोलूंगा कि केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ध्यान से सुनेंगे, यहां क्या बोला गया? यहां लिखूंगा बेटा मैं, केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड। केमिकली जो प्रोटीन्स होते हैं वो अपने आप में जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं वो भी किसके होते हैं बेटा? अमीनो एसिड के कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं, जिन्हें क्या नाम दिया जाता है? दीज आर कॉल्ड प्रोटीन्स। मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं कंडेंसेशन पॉलीमर की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या होता है कि एक मोनोमर ये हो गया, ध्यान से सुनेंगे बेटा, और प्लस करके एक मोनोमर ये हो गया। जब ये टू मोनोमर्स आपस में जुड़ते हैं तो ये मिलकर के इसने क्या किया? पॉलीमर का फॉर्मेशन कर दिया। और जब इसने पॉलीमर बनाया तो साथ में क्या करता है, ये बाय प्रोडक्ट इसमें वाटर बाहर निकाल देता है, या मान लो अमोनिया बाहर निकाल दिया, या मान लो इसके अंदर इसने अल्कोहल को बाहर निकाल दिया। तो कंडेंसेशन पॉलीमर्स कौन होते हैं?
कि जब टू मोनोमेरिक यूनिट जो है आपस में जुड़ती हैं, ध्यान देंगे कि ये अपने आप में डिफरेंट मोनोमेरिक यूनिट्स होती हैं, जब ये आपस में जुड़ती हैं तो जुड़ने के बाद इन्होंने एक पॉलीमर का फॉर्मेशन किया और साथ में इन्होंने क्या कर दिया, बाई प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया, और ये बाई प्रोडक्ट अपने आप में वाटर हो सकता है। दैट्स व्हाई सिमिलर फिनोमेना, अगर मान लो मैं प्रोटीन की अगर मैं बात करूं, तो इस प्रोटीन के अंदर जो अमीनो एसिड्स होते हैं बेटा, वो अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, कंडेंस होते हैं, और कंडेंस होने के बाद क्या बनाते हैं बेटा, हैविंग टेंडेंसी टू फॉर्म, ये प्रोटीन्स बना लेते हैं, ठीक है बेटा। और प्रोटीन्स के साथ साथ में बाय प्रोडक्ट को, जैसे वाटर है उसको क्या करते हैं इन्होंने बाहर निकाल दिया। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड, जो प्रोटीन्स हैं वो अपने आप में केमिकली प्रोटीन्स आर कंडेंसेशन पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड आपस में जुड़ेगा और जुड़ने के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई जैसे मान लो हमारे पास जो प्रोटीन्स हैं, हमने क्या किया बेटा, वी हैव, हमारे पास आया बेटा, वी हैव प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स की हमने क्या करवाई बेटा, इसे बोला जाता है हाइड्रोलिसिस, या सिंपली इसे लिखा जाता है दिस वन पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस होने के बाद ये किस में चेंज होता है, ये पेप्टाइड्स के अंदर चेंज होता है, और जो पेप्टाइड्स होते हैं इनके जब अगर फिर अगेन हम क्या बोलेंगे, अगेन पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हैं बेटा, तो यहां से ये बनेगा अमीनो एसिड। ध्यान से सुनो बेटा, अमीनो एसिड, आप समझ पा रहे हैं, मतलब इस अमीनो एसिड को, इस प्रोटीन को बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, अमीनो एसिड। समझ पा रहे हैं कॉन्सेप्ट, केमिकली जो प्रोटीन्स हैं वो अपने आप में कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं अमीनो एसिड के। अगर मैं प्रोटीन की हाइड्रोलिसिस करवाऊं, वाटर से रिएक्शन करवाऊं, इसको हाइड्रोलाइज करवाऊं, तो ये पेप्टाइड में चेंज होता है। फर्दर अगर इसकी हाइड्रोलिसिस करें तो ये अमीनो एसिड में जाएगा, इसके बाद कहीं नहीं जाएगा। जैसे जैसे मान लो हम क्या बोलते हैं कि ह्यूमन बॉडी है या लिविंग बॉडी है, उस लिविंग बॉडी की जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसे नाम दिया गया सेल बोलते हैं उसको। तो सेल, बहुत सारी जो सेल्स होती हैं वो आपस में जुड़ती हैं और लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन करती हैं। दैट्स व्हाई जो सेल है वो बेसिक यूनिट बन गई। इफ यू वॉन्ट टू से अबाउट, अगर आप इस बिल्डिंग की बात करते हैं, इस बिल्डिंग के इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया विद द हेल्प ऑफ ब्रिक, एक ब्रिक अगर ना हो तो ये बिल्डिंग बनना आसानी। दैट्स व्हाई ब्रिक इज द फंडामेंटल यूनिट फॉर द बिल्डिंग। सेम थिंग अगर आप प्रोटीन की बात करते हैं, तो प्रोटीन के लिए अमीनो एसिड एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल बन गया। हम क्या बोलेंगे, यहां से अगर मैं बोलूं कि जो अमीनो एसिड है बेटा, वो अमीनो एसिड, अब इसको हम क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। पहले ये नोट करो आप, ठीक है बेटा, अब हम क्या करेंगे, अमीनो एसिड को डिफाइन करेंगे। सो लेट अस मूव टू वॉक टू नो अबाउट अमीनो एसिड। ठीक है बेटा, चलते हैं टू वॉक अमीनो एसिड, और हम लिखेंगे कि जो अमीनो एसिड है इसे लिखेंगे, इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है बेटा, प्रोटीन्स को तैयार करने के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल बना, यूनिट बनी, उसका नाम क्या बोला बेटा हमने, अमीनो एसिड।
अच्छा ध्यान से सुना हुआ, जैसे कि इसका नाम आ रहा है अमीनो एसिड, इसमें एक टर्म आपको दिख रहा है बेटा दिस वन अमीनो, और एक टर्म आपको इसमें दिख रहा है दिस वन एसिड्स, ये बोला जा रहा है। अमीनो एसिड वो होते हैं जिनमें अमीनो ग्रुप ही होता है और जिनके अंदर एसिडिक ग्रुप भी होता है। अमीनो ग्रुप मतलब जिनके अंदर NH2 ग्रुप होता है, और एसिडिक ग्रुप का मतलब जिनके अंदर COOH ग्रुप होता है। दीज आर कॉल्ड अमीनो एसिड। अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसकी अगर मैं रिप्रेजेंटेशन अगर लिखूं, तो अमीनो एसिड की जो रिप्रेजेंटेशन बनेगी बेटा उसमें क्या होगा, यहां मैंने R ले लिया, ये कार्बन आ गया, यहां H आ गया बेटा, यहां NH2 आ गया, और यहां COOH ग्रुप आ गया। दिस वन, ये अपने आप में ये अमीनो ग्रुप, और ये अपने आप में इसे बोला दिस वन एसिडिक ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बेटा ये? ये एसिडिक ग्रुप है। ये कौन सा ग्रुप है? अमीनो ग्रुप है। बहुत क्लियर है बेटा? यस एंड नो। हमारे पास जितने भी अमीनो एसिड हैं उनको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। अच्छा, जितने भी अमीनो एसिड होते हैं, कंसेप्ट आपको समझना है कि इन अमीनो एसिड को हम डेजिग्नेट कर सकते हैं, या ये जो अमीनो एसिड हैं इनको हम अल्फा बीटा एंड गामा टाइप ऑफ अमीनो एसिड नाम दे सकते हैं। अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड एंड गामा अमीनो एसिड। अच्छा, एक नाम और बोलते हैं कि नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स आर अल्फा अमीनो एसिड्स। जो नेचुरली होते हैं वो क्या बोला जाता है उनको? दीज आर अल्फा अमीनो एसिड। अच्छा, अल्फा बीटा गामा कब बोला जा रहा है? ध्यान से सुनेंगे यहाँ कि ये कार्बन है, इस कार्बन के बाद ये COOH ग्रुप आ गया, इधर बेटा मैंने R लिख दिया और इधर क्या लिख दिया? H लिखा, और यहाँ पे आ गया दिस वन NH2। अच्छा, फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है COOH। फंक्शनल ग्रुप के बाद आने वाला जो पहले नंबर का कार्बन होता है दिस वन फर्स्ट वन, इसे बोला जाता है अल्फा बोला जाता है इसे। अगर यहाँ भी कोई कार्बन हो सेकंड नंबर का तो इसे बीटा बोला जाता है, यहाँ भी कोई कार्बन हो तो इसे गामा बोला जाता है, और आगे भी हो तो वहां जाकर के डेल्टा बोला जाता है। लेकिन यहाँ डेल्टा का तो नाम नहीं है, यहाँ तो केवल गामा तक बोला जा रहा है। अब अगर NH2 ग्रुप जो है अल्फा वाले कार्बन पे है तो इसे बोल देंगे अल्फा अमीनो एसिड। रेदर देन अगर NH2 ग्रुप यहाँ से चेंज हो करके, यहाँ से छूट करके अगर NH2 यहाँ आ जाए तो बीटा अमीनो एसिड, और अगर ये गामा वाली पोजीशन पे चला जाए तो उस कंडीशन में यहाँ से हट करके अगर ये यहाँ आ जाता है तो तब इसे क्या बोलेंगे? गामा अमीनो एसिड। लेकिन हमारे पास जितना भी कंसेप्ट आता है वो सारा का सारा अल्फा अमीनो एसिड के ऊपर बेस्ड है, जो हमारा सिलेबस है उसके अंदर। दैट्स व्हाई अगर मैं यहाँ पे लिखूं जिसमें ये R हो गया बेटा, ये C हो गया, ये H हो गया, यहाँ बेटा NH2 लिख दिया, और ये हमारे पास ये ऐसे करके COOH ग्रुप आ गया, दिस वन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया, पहले नंबर का कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन है इसलिए इसका नाम हो गया बेटा दिस वन अल्फा अमीनो और एसिड हमने इसे बोल दिया। ठीक है बेटा, ये अल्फा अमीनो एसिड हमने बना दिया। नाउ अगर इसके बाद यहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि इसके अंदर डी और एल कॉन्फ़िगरेशन भी होता है, जो डेजिग्नेशन है डी एंड एल, नॉट कॉन्फ़िगरेशन, डी एंड एल डेजिग्नेशन, मतलब इसको जैसे मान लो मैं यहां पे लिखता हूं डी एंड एल डेजिग्नेशन, डी कब बोलते हैं और एल कब बोला जाता है। अगर आपको याद होगा यहां पे हमारे पास जनरली एल अमीनो एसिड का बहुत सारा कंसेप्ट है, एल अमीनो एसिड। तो अगर मैं आपको ध्यान दिलाऊं, मैंने आपको पिछला कंसेप्ट जब दिया था एल्डिहाइड के अंदर,
तो यहाँ पे एक कंसेप्ट दिया था लाइक दिस वन, और यहाँ मैंने OH लिखा था, और ये ऐसे करके मैंने लिख दिया था दिस वन CH2OH, इसका नाम है दिस वन, यहाँ बोलेंगे L ग्लिसरल्डिहाइड। क्या लिखा बेटा? L ग्लिसरल्डिहाइड। L क्यों बोला? कि हमारे पास जो कैरस सेंटर है उस कैरस सेंटर पे OH ग्रुप कहाँ पे है? लेफ्ट पे है, इसलिए क्या बोला दिस वन इज कॉल्ड L ग्लिसरल्डिहाइड कैरस सेंटर पे। वैसे ही अगर मान लो ये कार्बन हो गया, इस कार्बन पे आपने बेटा NH2 यहाँ लिख दिया, यहाँ हाइड्रोजन लिख दिया, ये COOH ग्रुप आ गया, ये R आ गया। अगर मान लो यहाँ पे NH2 ग्रुप अगर कहाँ पे आ रहा है, NH2 ग्रुप अगर लेफ्ट में आ रहा है, तो इन दिस कंडीशन इसलिए क्या बोलेंगे दिस वन L अमीनो एसिड। क्या है बेटा? L अमीनो एसिड के नाम से जाना जाता है। भाई अल्फा अमीनो एसिड तो है ये, अल्फा क्यों बोला? फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन आया उस कार्बन पे NH2 है तो अल्फा बोल दिया। लेकिन L क्यों बोला? ये अपने आप में कायरल सेंटर है, इस कायरल सेंटर पे NH2 ग्रुप कहाँ पे आ गया? लेफ्ट में आ गया। दैट्स व्हाई दिस वन इज कॉल्ड L अमीनो एसिड। नोट करो बेटे, ठीक है बेटा? ये आया बेटा हमारे पास L अमीनो एसिड बन गया, L ग्लिसरल्डिहाइड बना दिया हमने, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जितने भी अमीनो एसिड्स हैं इनको कैटेगराइज करते हैं। ये अपने आप में एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं वो, और अमीनो एसिड को आगे हम कैटेगराइज करते हैं, एसेंशियल नॉन एसेंशियल हो गया, या इनके अंदर जो फिजिकल स्ट्रक्चर बनता है, ड्यूटेरायन का स्ट्रक्चर बनता है, वो सारा का सारा जितना भी होगा जो अगला वीडियो होगा बेटा उसमें आपको अपलोड करके उसमें देने वाला। थैंक्स बेटा एंड गॉड ब्लेस यू।